इस बार जो हुआ इस मर्डर केस में वो हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ। एक बड़ा ही खतरनाक खून हुआ और बाय चांस हाँ, मैं बाय चांस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि जिस जगह पे खून हुआ वहां पे हमें कोई आई विटनेस मिल सकता है। एक ऐसा गवाह जिसने खून होते हुए देख लिया। बहुत कम ऐसा होता है कि देखने वाला खून होने वाली जगह से भागा नहीं, और वो गवाह था एक 8 साल की बच्ची। एक छोटी सी बच्ची ने खून होते हुए देख लिया था। सीआईडी को गवाह मिल जाए तो फिर तो खून का इन्वेस्टिगेशन धड़ाधड़ आगे बढ़ता है। सोचा यहां भी ऐसे ही होगा, पर वो बच्ची बहुत डर गई थी। उसे इतना बड़ा धक्का लगा था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई। काफी कोशिश की हम लोगों ने, पर उसने मुंह नहीं खोला। एक बड़ा आदमी भी अगर खून होते हुए देख ले तो उसके होश उड़ जाते हैं, और ये तो छोटी सी बच्ची थी। हम लोग बीच में फंस गए। ना तो उस बच्ची से ज्यादा पूछताछ कर सकते थे और ना ही उसे भूल सकते थे, क्योंकि सिर्फ वो बच्ची थी जो हमें उस खूनी तक पहुंचा सकती थी। उस बच्ची ने आखिर तक अपना मुंह नहीं खोला। आप खुद ही देख लो क्यों। सीडी साहब को सब बता दो। नहीं नहीं, कहीं मैं खुद ही न फंस जाऊं। जब मैंने खून ही नहीं किया तो मैं डर क्यों रहा, बता देता हूं। क्या कर रहा था? मैं नहीं, चोरी था। तू चोर है? क्या चोरी करने आया था? नहीं सर, खून। तू मेरा खून करने आया? नहीं सर, खून हो गया सर, खून हो गया। खून हो गया? कहाँ कहाँ हुआ?
तीन गोलियां मारी है सर। तीन तीन गोलियां, इसका मतलब एक खूनी नहीं चाहता था ये औरत किसी भी कीमत पर जिंदा रहे। हाँ तो छोटू, तुम यहां सिर्फ चोरी करने आए? गलती हो गई, हमारा दिमाग खराब हो गया था सर। हाँ। बाहर से कुछ जूते के निशान मिले सर, शायद खूनी के होंगे। ये देखिए सर। ये दो वाइन ग्लासेस मिले, लगता है इस औरत के साथ कोई और भी था यहाँ पे, शायद उसी ने मारा इसे। ऐसा ही लगता है सर, यहाँ पर तो कोई तोड़फोड़ का निशान भी नहीं, हो सकता है कि किसी दोस्त या रिश्तेदार ने ही मारा हो इसे। सर ये देखिए, मिकी माउस का ड्रॉइंग, ये जरूर किसी बच्चे ने बनाया है। मतलब घर में बच्चा भी था? था या फिर अभी भी यही है। नहीं होगा बेटा, आ जाओ। नहीं नहीं डरते नहीं, प्यारे अंकल हैं, अंकल कुछ नहीं करेंगे बेटा, आ जाओ आ जाओ। ओके ओके बेटा, कुछ नहीं होगा, आ जाओ। अरे अभिजीत सर, ये बच्ची यहाँ पे है, काफी डरी हुई है, शायद इसने कुछ देखा होगा। है बेटा, कैसी हो बेटा? आ जाओ बारह बेटा। अच्छा आ जाओ, कुछ नहीं होगा, अंकल आपको प्यार करेंगे, आ जाओ आ जाओ। गुड गर्ल, गुड गर्ल, आ जाओ बेटा। Very good. Very good. अब बताओ क्या हुआ था? क्या पानी चाहिए? पानी पियोगे? अच्छा पी थोड़ा, थोड़ा थोड़ा पी लो कर रही थी तुम? क्या कर रही थी? क्या कर रही थी? कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। सर कई बच्चे उस औरत की बेटी तो नहीं है? हो सकता है, शायद इसने खून होते हुए देखा है। ये बच्ची हमें उस खूनियों तक पहुंचा सकती है सर? बिल्कुल पहुंचा सकती है। तारिका आप आज साड़ी में, क्या बात है? कहीं कोई लड़के वाले देखने तो नहीं आ रहे तुम्हें?
अब कुछ ऐसे ही समझ लो। अच्छा, ओहो, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों दया, इसमें प्रॉब्लम क्या? अरे उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? नहीं सर, वो मैं सोच रहा था कि अभिजीत सवाल क्या? इस औरत की मौत कब हुई? बस इस औरत की मौत 2 रात पहले हुई। 2 रात पहले? तो इसका मतलब है वो बेचारी छोटी बच्ची 2 दिन से कबर्ड में छुप कर बैठी थी। सर उसे बहुत गहरा धक्का लगा है, इसलिए तो उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। वही तो सुन के, वो जो वाइन के 2 ग्लासेस मिले उसके बारे में कुछ पता चला? सर एक तो इन्हीं का है जिनका खून हुआ है, और दूसरा तो खूनी का होगा सर। इस औरत का फोटो दिया हमने पेपर में, मगर कोई सामने ही नहीं आ रहा है इसे पहचानने के लिए। वो लड़की कहाँ है? शायद मैं उससे कुछ बात कर सकूं। है तोशा, जरा उस बच्ची को लेकर आओ। प्यार से लेकर ये अभिजीत ने इतने प्यार से संभाला है इस बच्ची को, जैसे कोई बाप अपनी बेटी को संभाले। गुड गुड। अच्छा यार, ये लाश हम ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, लड़की डर ना जाए। हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। हेलो बेटा, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? हाँ क्या नाम है बेटा? हेलो बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? डर क्यों गई? क्या देखा है इसने? हम खाएंगे कॉर्न फ्लेक्स। एसीपी अंकल का फेवरेट है। एसीपी अंकल है ना? अंकल नहीं, तुम्हारे तो दादाजी लगेंगे। मालूम है रोज ये एसीपी साहब ये खाते हैं, इससे तगड़े हो गए हैं। तुमको बनना है उनके जैसा है? ये लो। नहीं बनना उनके जैसा? ओके, कोई बात नहीं, ये कॉर्नफ्लेक्स मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मैं भी नहीं खाऊंगा। हम खाएंगे नूडल्स। यस, नूडल्स खाएंगे, नूडल्स। और ये नूडल्स भेजा है फ्रेडी अंकल ने, मालूम है ना कॉमेडी अंकल। या ये भेजा है। नूडल्स खाएंगे बेटी, नूडल्स खाएंगे। बेटा कुछ तो खा लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ओके, स्पेशल खाना किसका है अभी बताता हूं। ये बनाया है एक जोकर ने। ये पुलाव खाइए, ये लो खा लो, बहुत अच्छा है। देखो अगर ये नहीं खाओगी ना तो मेरे पास एक चूहा है जो ये खा जाएगा, ठीक ना? लो खा लो खा लो, गुड गर्ल, वेरी गुड गर्ल। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं खा रही है, कुछ बोल भी नहीं रही है सर। लगता है बहुत धक्का लगा इसे। यस सर, आई ट्राई, आई ट्राई। गुड नाइट सर। ये देखो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट है ना, ये खाओगी? कुछ नहीं खा रही है सर, कुछ भी नहीं खा रही है। अरे बाबा खाना चाहिए ना, अरे कुछ खाओ ना बेटा। फ्रेडी को क्या हो गया?
ओए फ्रेडरिक्स, क्या हुआ? मुंह लटका के क्यों बैठा? अरे ताशा की मदद करो, बच्ची को कुछ खिलाओ। सर वो क्या है ना कि मन काफी उदास हो गया है मेरा। उदास हो गया क्यों? इधर बताओ क्या हो गया है? बताओ क्या हुआ? बीवी झगड़ा करके मायके चली गई। अरे नहीं नहीं सर, तो फिर? मैं तो उन अनाथ बच्चों के बारे में सोचकर उदास हो रहा था जो अकेले शहर में आते हैं, अकेले ही लड़ाई लड़ते हैं जिंदगी से। तो होती रहता है फ्रेडरिक्स, कुछ लड़ाई जीतते हैं कुछ हारते हैं जिंदगी के थपेड़ों से। मगर अचानक ये तुम्हारे दिमाग में आया कहां से है? अरे सर वो नई सीरियल आ रही है ना सोनी पे 6 अक्टूबर से। कौन सी? बेताब दिल की तमन्ना। 3 ऐसी ही लड़कियों की कहानी है, वो अकेली शहर में आती है और जिंदगी से संघर्ष करती है। अरे अभिजीत अच्छा हो गया तुम आ गए। या इस बच्ची को कुछ खिलाओ, खिलाओ इसे, कुछ खाई नहीं रही, देखो जरा। कल रात को भी ठीक से सोई नहीं थी सर। अच्छा, वो तो होगा ही ना अभिजीत, इसने तो अपनी माँ का खून होते हुए देखा है आंखों के सामने। छोटी सी बच्ची है बेचारी। कर दे, वो फार्म हाउस के बारे में क्या पता चला? हाँ सर, वो फार्म हाउस किराए पे लिया गया था, सिर्फ ये बच्ची और वो लेडी वहां पे रहती थी, मेगा नाम है उसका। इस बच्ची का क्या नाम है, कुछ पता चला? नहीं सर। कैसे हो बेटा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बनाया तुमने। ओहो, जरा हम भी तो देखें। लगता है ये अपनी फैमिली के बारे में बनाया इसने कुछ। और ये कार देखी सर आपने? बी लिखा हुआ है इसमें। ये कार के ऊपर ये बॉक्स जैसा कुछ है, क्या हो सकता है? कहीं ये कोई टैक्सी तो नहीं? एक टैक्सी है भी सर, एक बी नाम से कुछ सर्विस है उसकी। हाँ, बी नाम से और भी तो टैक्सी सर्विसेज हो सकती है, पता करना चाहिए। सर शायद खून होने से पहले ये बच्ची अपने परिवार के साथ इसी टैक्सी में गई होगी। और सर ये आदमी शायद इस बच्ची का बाप हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बाप ने इसकी माँ का खून कर दिया और भाग गया? हो सकता है सर, पहले इस टैक्सी सर्विस से ही पता करना चाहिए। यस सर, हमारी टैक्सी गई थी वहां पे उस फार्म हाउस में। देखा, बच्ची का दिमाग एकदम तेज है सर, उसे बराबर याद है इनकी टैक्सी के बारे में। हाँ चाहिए, बताओ कौन सी तारीख को गई थी आपकी कैब वहाँ उस फार्म हाउस में? एक्चुअली हमारी टैक्सी एक बार नहीं, कई बार गई है, और हर शनिवार को जाती थी हमारी टैक्सी। हर शनिवार को? जी हर शनिवार को, लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक जाना बंद हो गई। क्या बता सकते हो आखिरी बार आपकी टैक्सी कब गई थी वहाँ? एक मिनट सर, आखिरी बार सर, आखिरी बार हमारी टैक्सी करीब 2 महीने पहले गई थी, लेकिन उसके बाद एक बार भी नहीं गई। कहाँ से जाती थी आपकी टैक्सी? मेरा मतलब है ये पैसेंजर कहाँ से बैठता था टैक्सी में? वो परमिल स्टेशन से बैठते थे। और ये टैक्सी मंगवाता कौन था? मेरा मतलब है ये टैक्सी की बुकिंग कहाँ से होती थी? सर कोई राजीव है आरके कॉर्पोरेशन में, वही बुक करता था। राजीव आरके कॉर्पोरेशन में? हाँ हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा टेंडर मैं पास करवा दूंगा। सर क्या है? सर वो सीआईडी वाले हैं सर। सीआईडी वाले यहाँ पे? ठीक है उन्हें अंदर भेज दो। जी सर। हेलो यार, टेंडर वेंडर की बात हम बाद में करेंगे, सीआईडी वाले आ गए। मिस्टर राजीव। आइए सर आइए, बोलिए क्या लाऊं आपके लिए, चाय कॉफी कुछ? एक ग्लास खून। सर खून? मेघा नाम है इस लड़की का, खून हुआ इसका, पहचानते हो इसे? मेघा? नहीं सर मैं नहीं पहचानता इसे। और शनिवार को पनवेल वाले फार्म हाउस जाते थे उसे मिलने के लिए, और तुम उसे जानते नहीं हो? पनवेल वाले फार्म हाउस में? ये आप क्या कह रहे हैं सर, मैं कभी अंधेरी और बांद्रा के बाहर ही नहीं गया। अंधेरी और बांद्रा के बाहर कभी गए नहीं? तो फिर हर हफ्ते टैक्सी किसके लिए बुक कराते थे तुम?
सर टैक्सी? हाँ टैक्सी, हर शनिवार को बीटा कंपनी की टैक्सी आती थी ना। लेकिन सर ये टैक्सी मैं अपने खुद के लिए नहीं बल्कि अपने बिजनेस पार्टनर करण के लिए बुक करता था। ये करण पनवेल क्या करने जाता था? सर ये तो मुझे नहीं मालूम। सर इस करण को ब्यूरो बुलाओ, पूछताछ करते हैं। सर करण तो इस दुनिया में नहीं है सर। क्या करण मर चुका है? जी सर, 2 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में उसकी जान चली थी। करण मर चुका है इसलिए ये मुसीबत उसके सर पे तो नहीं डाल रहे हो? नहीं नहीं सर, नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। ठीक है, करण का एड्रेस दो हमें। नहीं साहब, सीआईडी वाले आए। क्या हुआ बेटा? क्यों? ऐसा लगता है काफी डर गई है। मैं यही रुकता हूँ इसके साथ। ठीक है। ये करण का ही घर है ना? अब जी, लेकिन करण भैया तो है नहीं। हाँ हम जानते हैं कि उनकी डेथ हो गई है। जानते हैं फिर भी आप? मैं करण की माँ। क्या माँ जी आप जानती हैं करण हर शनिवार को पनवेल के फार्म हाउस में जाता था? लेकिन हमारा तो कोई भी फार्म हाउस नहीं है पनवेल में। फार्म हाउस है और वहां पर एक औरत भी रहती थी। कौन है वो औरत? ये है वो औरत, ये मेघा नाम है इसका। क्या आप लोग पहचानते हैं इसे? क्या हुआ इसे? ये मर चुकी है। नहीं, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसका खून हुआ है उसी फार्म हाउस में जहां पर करण जाया करता था हर शनिवार इससे मिलने और इसकी बेटी से मिलने। ये है मेघा की बेटी। पहचानते हैं इसे आप लोग? इसे भी पहले हमने कभी नहीं देखा। बड़ी अजीब बात है, करण हर शनिवार घर से कहीं बाहर जाता था और इसके बारे में आप लोगों को कुछ भी पता नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली हमें तो ऐसा लगता था कि करण भैया बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाया करते थे। करण भैया के पनवेल के ट्रिप के बारे में और इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, जैसे ही आप लोगों को कुछ पता चले हमें जरूर बताइए। हाय टीना, वो मैं यहां से गुजर रहा था तो अचानक तुम्हें देखा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ ना कुछ मालूम है इस फोन के बारे में, पर ना जाने क्यों तुम कुछ बताना नहीं चाहते। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं आपको जरूर बता देती। देखो टीना, उस बच्ची ने खून होते हुए देखा है अपनी माँ का। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि उस बच्ची पर क्या बीत रही है, इसलिए मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ कि हमारी मदद करो। देखो प्लीज, जो कुछ मालूम है बता दो। वो जो छोटी बच्ची है, हाँ, मैं उसे जानती हूँ। क्या तुम उस बच्ची को जानती हो? हाँ, वो करण चाचा की बेटी है और उसका नाम श्रेया है। वो करण की बेटी है? हाँ, मगर उनकी दूसरी बीवी की बेटी। एक मिनट, करण की दूसरी वाइफ है? हाँ। क्या नाम क्या उनका? मेघा। मेघा, और ये छोटी बच्ची मेघा की बेटी? हाँ। तो फिर ये बच्ची तुम्हारी कजन हुई ना? वो तुम्हारी बहन है, तो उसको तुम सबको पहचाना कैसे? क्योंकि वो बोल और सुन नहीं सकती। वो ना बोल सकती है ना सुन सकती। हाँ, और हम लोग भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते।
वो तो जब करण चाचा की विल पढ़ी गई तभी हमें पता चला कि उनकी एक और बीवी है और बेटी भी। ओ, तो ये करण चाचा ने अपनी वसीयत बनवाई। क्या क्या लिखा है इस वसीयत में? उन्होंने तो अपना सारा पैसा मेघा आंटी के नाम कर दिया है और अपनी पहली बीवी माया चाची के लिए तो कुछ नहीं छोड़ा। तो ये बात, सारा का सारा पैसा दूसरी वाइफ को दे दिया। तो मेघा का खून जायदाद की लालच में हुआ है। हाँ सर, ये करण के घर वालों ने भी हमसे झूठ बोला था सर, तो इसमें इन्हीं लोगों का हाथ होगा। वो बेचारी श्रेया तो कुछ बोली भी नहीं उन लोगों को देख के। फिर ये श्रेया ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है सर। क्या क्या श्रेया बोल नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती? हाँ सर। माय गॉड, हम तो पागलों की तरह उस बेचारे के पीछे पड़े थे बुलवाने के लिए। सर मैंने एक टीचर को बुलाया है, शायद वो उससे कुछ बात कर सके, अगर श्रेया को साइन लैंग्वेज मतलब हाथ से बात करना आता है तो। एक काम करो दया, अभिजीत से कहो कि वो उस बच्ची को यहां लेकर आए और टीचर का इंतजार करे और हम लोग इस करण के घर वालों से जाकर मिलते हैं। वही पता लगाने आए सर। लेकिन ये सब क्या है? सच बोलने की मशीन। सच बोलने की मशीन? हाँ, ये मशीन बड़े बड़े खूनियों के मुंह से सच उगलवाती है। लेकिन हमने आप लोगों से कौन सा झूठ बोला है? बनो मत, झूठ नहीं कहा था तुम लोग मेघा और श्रेया के बारे में? क्यों मेघा और श्रेया के बारे में क्यों जबान क्यों कांपने लगी? चलो सब लोग एक एक करके आ गए, चलो आइए, चलो चलिए चलिए, सुनाई नहीं दिया, चलिए। सर सर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब हम आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। तो पहले क्यों छुपाया था? हा? जी वो हम उस नागिन के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, मेरे पति को उसने मुझसे छीन लिया। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती अगर लोगों को करण और उसकी शादी के बारे में पता चल जाता। इसलिए खून कर दिया उसका तुम सबने मिलके? नहीं नहीं, हमने मेघा का खून नहीं किया, उसका खून करने से करण भैया वापस थोड़ी ना आ जाते। हाँ मगर करण भैया का पैसा और जायदाद तो मिल जाता आप लोगों को, जो उसने मेघा के नाम पर कर दिया था। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है और करण भैया की जायदाद में हमें कोई लालच नहीं है। हाँ वो तो पता लग ही जाएगा अभी, चलो एक एक करके अपने अपने प्रिंट दो। लेकिन सर सर हमने तो सब कुछ सच बोल दिया है ना, तो फिर ये प्रिंट क्यों? बेटा हमने आप लोगों का उल्लू बनाया है, ये सच उगलवाने की मशीन नहीं है, ये होठों की छाप लेने वाली मशीन है, समझे? होठों की छाप? हाँ होठों की छाप। चलिए 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 आइए आइए, चलो। चलिए चलिए। कमाल है, खूनी ने जिस ग्लास से वाइन पी थी उसके होठों के निशान इनमें से किसी के भी होठों से मैच नहीं हो रहे। हमारे परिवार में कोई शराब को हाथ तक नहीं लगाता और आप हमारे प्रिंट उस वाइन ग्लास से मैच कर रहे हैं। और हमारा प्रिंट लेने से पहले आप उस राजीव का प्रिंट लीजिए जो मेघा से प्यार करता था, गया होगा वो वहाँ पर। क्या राजीव मेघा से प्यार करता था? हाँ, और इसी वजह से मेघा और करण भैया में बहुत ज्यादा झगड़े भी होते थे। राजीव
अरे वाह 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 वाह, क्या बना रही हो, क्या बना रही हो ये क्या? ये अच्छा है, अच्छा है। एक्सक्यूज मी सर। यस जी, मैं डेफ स्कूल से आई हूँ, मुझे दया सर ने बताया था इस केस के बारे में। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए मैं आपको अपने मेहमान से मिलाता हूँ, थोड़ी बिजी है, ड्राइंग कर रही है। मूडी है, अरेक से बात नहीं करती है। जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। प्लीज अच्छा, आप तो बोलने लगी हैं? हम तो अपनी बात सुनाने को तरस गए, हमसे बात नहीं की और इनसे फटाफट बोलने लगी। उससे बातें कर रहे थे लेकिन वो डेफ है और आप साइन लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे थे, इसलिए वो आपको रिप्लाई नहीं कर रही थी। ये तो है, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा आप इनसे जरा पूछिए कि उस रात क्या हुआ था। कह रही है कि उस रात वो अपने बेडरूम में पेंटिंग कर रही थी, उसकी मम्मी बाहर के कमरे में बैठी हुई थी और जैसे ही उसकी पेंटिंग खत्म हुई और अपने मम्मी की तरफ बढ़ी तो उसने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। इसने गन देखी, एक साड़ी देखी और अपने मम्मी की लाश देखी है इसने। Oh my God, इसका मतलब खून करने वाली कोई औरत थी। इसीलिए तारिका की साड़ी देखकर बच्ची घबरा गई। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। मैम मुझे इसे सॉरी बोलना है क्योंकि मैं इसे काफ़ी टाइम बोलने के लिए जोर देता था, मुझे मालूम नहीं था आप कैसे बोल सकता हूँ मैं। अब बस इतना कह दीजिए कि
क्या कह रही है? ये कह रही है कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, इसने आपको माफ कर दिया और आप बहुत अच्छे आदमी हैं। थैंक यू। चलो 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 लीजिए सर, ले आया राजीव को। सर मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है और ये कौन सी जगह है सर? आपका ये आदमी मुझे रास्ते पर कहता रहा कि मुझे किस चाहिए, मुझे किस चाहिए। लो बॉस, ये तुम्हारा चिरंजीव, रास्ते पर किसी मांगता रहा। एक सीआईडी ऑफिसर होके इतनी गंदी बात, इसने तो कार के दरवाजे भी बंद कर दिए थे, वरना मैं गाड़ी से कूद जाता और भाग जाता। ये क्या किया फ्रेडी आपने? अरे ऐसा मुझे दया सर ने करने के लिए कहा। क्या मैंने कहा था तुमसे रास्ते में किस मांगने? सर आपने नहीं कहा सर। सर मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है? किस करने के लिए? सर आप भी? हाँ मैं। क्या हो गया सीआईडी को? अरे आप सब लोगों ने कुछ पी लिया है क्या? हा? जिसे देखो वो किस किस का रागा लगता जा रहा है। किस करो, किस करो, किस करो? I said किस करो। तारिका क्या हो गया आपको है? सबके सामने किसी किसी की बात कर रही हैं आप? मैं सपने में भी नहीं सो सकता। लो भाई इन्हीं की कमी थी, ये भी आ गए। अरे लेकिन अभिजीत हम सीरियस बातें कर रहे थे, किस करो। सीरियस है ये है? मुझे लगा था कि मजाक चल रहा है, ये सीरियस है। चलो किस करो। सर आप अभिजीत जरा चुप रहो, जल्दी किस करो। सर मैं नहीं करूंगा। मत करना। चलो चलो। अरे चलो जल्दी किस करो, चलो किस कर लो। कम ऑन मुंह बंद करो और दोनों होंठ ठीक से लगाओ। चलो हाँ हाँ करो करो, शीशे को किस करो, करो। ओके जिस बात का डर था वही हुआ, इनकी किस्त तो बड़ी जहरीली निकली, फांसी तक पहुंचाई देगी इन्हें। राजीव ने ही वाइन पी थी उस ग्लास पे से। ऐसी कहां भाग रहे हो, हमें सत्कार करने का मौका भी तो दो। क्यों तुम तो कह रहे थे कि तुम जानते ही नहीं हो श्रेया और मेघा को। सर मैं डर गया था, सर मैं डर गया था, इस सीआईडी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। सर मेघा का खून करके भाग गया वहां से। क्यों भागा? नहीं सर मैंने मैंने खून नहीं किया। झूठ। मैं वहां गया था, मैंने खून नहीं किया। सर देखो तुम मेघा से प्यार करते रहे लेकिन मेघा ने करण से शादी कर ली, इसलिए तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए खून कर दिया तुमने उसका। नहीं सर अगर मैंने खून किया होता तो मैं वो पॉइंट का ग्लास वहां छोड़ के नहीं जाता। सर सबूत मिटा लेता मैं। तो सच सच बताओ क्या हुआ था उस रात? सर उस रात को मैं इन धमकी भरे फोन कॉल से तो नाक में दम कर दिया है मेरे, परेशान हो गई हूँ मैं इनसे। तुम पुलिस के पास क्यों नहीं जाती? नहीं जा सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ ये फोन कॉल्स मुझे कौन कर रहा है। कौन है वो? अरे श्रेया बेटा वाह बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती हो आप। किसी का ही फोन होगा ये। हेलो यू, बार बार परेशान मत करो मुझे, धमकियां देना बंद करो, समझे तुम? आगे तुम्हें चाहिए क्या? बस यही हुआ था उस रात। फोन कितने बजे आया था? यही कोई रात के 9 बजे। रात के 9 बजे? काशा मोबाइल कंपनी से पता करो कि मेघा के फोन पर उस रात 9 बजे किसका फोन आया था। यस
करण ने अपना सारा पैसा मेघा के नाम कर दिया था, तो हो सकता है ये बात किसी को हजम ना हो। यही बात है अभी, ये सारा चक्कर पैसे का ही है। हाँ सर, टीना ने भी बताया था ना इस करण की वसीयत के बारे में। सब पता चल गया। उस रात 9 बजे फोन करण के घर से आया था। करण के घर से? ये आप लोग क्या कह रहे? मैं क्यों मेघा को धमकी दूंगी? क्योंकि आपके पति ने अपना सारा पैसा अपनी दूसरी पत्नी का नाम कर लिया, आपके लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा। और इसीलिए तुमने उसे धमकियां देना शुरू कर दिया, क्यों है ना? देखिए, आप मेरी बहू पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। वाह, सास बहू का ऐसा प्यार तो आजकल सीरियल्स में भी नहीं दिखाते। ये ड्रामा बंद कीजिए, समझे? देखो, चुपचाप सब कुछ सच सच बता दो, वरना सबके सामने ऐसा नाफा लगाऊंगी ना। लगाओ नाफा। नहीं नहीं नहीं, दर्शा यहाँ पर नहीं, इसे ब्यूरो ले चलो, वहीं पे सब कुछ। मैंने ये फोन पर धमकी दी थी मेघा को। क्यों दी थी धमकी? क्योंकि मैं मेघा से बदला लेना चाहती थी। बदले की आग में इस मासूम बच्ची से इसकी माँ ही छीन ली तुमने, हैं? नहीं, मैंने मेघा का खून नहीं किया, मैंने तो सिर्फ धमकी दी थी। तुमने नहीं मारा तो फिर उसे मारा किसने? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो सिर्फ धमकी दी थी। क्यों? दामिनी ने खून किया। दामिनी! दामिनी! ये सब उस नागिन मेघा की वजह से हुआ है। ना वो करण की जिंदगी में आती और ना ही मेरा बेटा मारा जाता। ये मेघा की वजह से नहीं हुआ है, वो तो बेचारी खुद शिकार बनी है किसी और के साजिश की। और सिर्फ दामिनी हमें बता सकती है कि ये सारा प्लान किसने बनाया है। अगर ऐन वक्त पर वो सीढ़ियों से ना गिरी होती तो सब बता देती। कोई बात नहीं अत्या, जल्दी उसे होश आ जाएगा, फिर वो बता ही देगी कि खूनी कौन है। घबराने कोई बात नहीं, मामूली फ्रैक्चर टांग में और थोड़ी सी खरोच आई है। तो क्या हम दामिनी से मिल सकते हैं? आज आप नहीं मिल सकते, मैंने उन्हें नींद की दवा दी है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हमसे पहले दामिनी से कोई और नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, दामिनी सबसे पहले आप लोगों से मिलेगी। दामिनी को मारने आई थी ना माता जी, हा? लेकिन वो बेचारी तो कब की मर चुकी है। क्या? दामिनी मर चुकी है? हाँ, दामिनी मर चुकी है, वो तो उसी दिन मर गई जिस दिन वो सीढ़ियों से गिरी थी। मरने से पहले उसने हमें कुछ बताया भी था। इतना बड़ा धोखा, इसलिए आप लोगों ने इतना बड़ा नाटक खेला? हमें झूठी कहानी बनाई। हमें पता था कि जिसने भी ये साजिश की वो जरूर आएगा दामिनी का मुंह बंद करने के लिए। हमें तो लगा था कि प्रतीक या माया ने ये सब किया है, मगर मैंने ही कहा था, मैंने ही दामिनी को कहा था कि मेघा को मार दे। लेकिन माँ आपने ऐसा किया क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि
करण के बाद उसकी सारी जायदाद तुझे मिले, लेकिन वो तो सब कुछ मेघा के नाम लिख कर चला गया। फिर मैं क्या करती बेटा, क्या करती मैं बता बेटा। दामिनी, दामिनी! बेटा मत कहो, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसा कुछ कर सकती हैं। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा। ये लोग शायद आपको माफ करते हैं, मगर कानून कभी माफ नहीं करेगा। अब तैयार रहना बची हुई जिंदगी जेल में बैठकर काटने के लिए। अभिजीत सर, क्या सोचा है? किस बारे में? श्रेया के बारे में। अब केस भी तो खत्म हो चुका है, लो कुछ तो सोचना पड़ेगा। सर मैंने सोच लिया है, मैं श्रेया को गोद ले लूंगा सर, अडॉप्ट कर लूंगा। अच्छा? यस सर। वेरी गुड, तो बड़ी अच्छी बात है। देखा जाए तो वैसे इस दुनिया में तुम्हारा भी कोई नहीं है और इस बच्ची का भी नहीं, अच्छी बात है। सर क्यों ले लिया? सर मैं सिर्फ यहाँ इतना ही कहने आया था कि श्रेया इस दुनिया में अकेली नहीं है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब वो मेरी भांजी है, मेरी माँ और पत्नी की वजह से बेचारी अनाथ हो गई, पर मैं उसका ख्याल रखूंगा, मैं उसे सहारा दूंगा। सर मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए, मेरे घर में इसकी जगह मेरे खुद के बेटी से भी बढ़कर होगी। प्लीज सर, प्लीज। अभिजीत मुझे लगता है ये प्रतीक ठीक कह रहा है। क्या कह रहे हैं सर आप? सर इसके घर वालों ने इसकी मां का खून कर दिया है और आप चाहते हैं मैं श्रेया को इसके हवाले कर दूं? देखो अभिजीत, मैं समझ सकता हूं तुम्हें बच्ची के साथ लगाव हो गया है, प्यार हो गया है, लेकिन ये नेचुरल है और बच्ची वैसे है भी प्यारी। लेकिन सर अगर ये बच्ची मेरे साथ रहेगी तो किसी को क्या तकलीफ है? कहीं प्रतीक मुझसे ज्यादा अच्छा ख्याल रखेगा उसका? सवाल वो नहीं है। हाँ तो फिर समझाओ इसे। अभिजीत, हम लोग सीआईडी में, हम लोगों का कोई गारंटी नहीं है, आज है कल शायद नहीं भी हो। गोली वोली लग गई तो अभिजीत अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो ये बच्ची फिर से अनाथ हो जाएगी। दया नहीं अभिजीत, ये प्रत्येक रिश्तेदार है उसका, अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। क्यों? बच्ची का ख्याल रखोगे ना ठीक से? जी जी बिल्कुल। देखा वो कह रहा है अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। सर अब सब लोग उल्टा सोच रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर? सब लोग सीआईडी ऑफिसर की तरह सोच रहे हैं, कोई मेरी फीलिंग नहीं समझ रहा है। देखो अभिजीत, हम लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं, हमारे जिंदगी में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है, हमारा दिल पत्थर का ही होना चाहिए। सर आपका दिल तो पत्थर का ही है, आपने तो अपने बेटे तक को गोली। अभिजीत सॉरी सर। सच कहा तुमने, मेरा दिल पत्थर का ही है। हाँ मैं समझता हूं कि सीआईडी ऑफिसर का दिल पत्थर का ही होना चाहिए। जाओ जाकर श्रेया से कहो कि उसे प्रतीक के साथ ही रहना पड़ेगा। सर प्लीज दैट्स ऑल।
ओके सर। जो आदमी है ये तुम्हारे अंकल है। तुमको इनके साथ इनके घर में एक साथ रहना पड़ेगा। देखो ये तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, बहुत तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुमको मिलने आऊंगा। हैं? मिस करता हूं क्या लगना पड़ता जी। थैंक यू। अभिजीत, क्या प्रॉमिस किया तुमने श्रेया को कि हर संडे तुम उसे मिलने जाओगे? यस सर। अरे तो फिर हम क्या करेंगे? हम भी तो जाएंगे तुम्हारे साथ, क्यों? सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।